छोटे प्या बड़े पना नमस्कार सत श्रीकाल आदाब। अज सिडनी दे विच मेरे नाल बैठे ने दास संप्रदाय दे हेड ते मुखी सचखंड धाम तो श्री त्रिलोचन दास जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप जी का, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत ऑस्ट्रेलिया दे विच। ऑस्ट्रेलिया टूर कैसे चल रहा है? एब्सोल्युटली वेरी गुड, पीपल हियर सो लवली जी, ब्यूटीफुल सोल्स, उन्हों का प्यार प्रेम इज एन इनक्रेडिबल। और रोज हमारे कीर्तन समागम रहते हैं, बहुत बहुत मन खुश हो रहे, बहुत कृपा हो रही है जी। यू नो इफ आई टेक यू बैक, आई थिंक संस्थापक श्री सतगुरु दर्शनदास जी, टेल मी मोर अबाउट द मिशन संक्षिप्त में जी। वेरी जी, 14 साल की उम्र में गुरु महाराज जी नूं एनलाइटमेंट हुई, रब दे दर्शन हुए। बटाला, बटाला एक ऐसा प्रांत है जिथे गुरु नानक देव जी महाराज का विआह होया, शादी हुई। और बटाला दे विच अज हर कोई इंसान महाराज जी नूं बहुत मानता है और प्यार करता। बटाला 14 साल की उम्र च रब दर्शन दिंदा, रब कहिंदा कि तू मेरे काम करना है। लाइक वाइज कि जैसे बुद्ध को बौद्ध का ज्ञान होता है, या महापुरुषों को जब ज्ञान होता है, एनलाइटमेंट होती है जी, द सेम वे महाराज दर्शन दास जी को भगवान मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे काम करने ने, मैं दोबारा आवांगा और तेनू फिर मैं अपनी तेनू सारा कुछ समझ दसांगा। मिलकर बुखार चढ़ जाता, 3 दिन तक कंबदे रहते हैं बुखार च, माँ पुछती रही, दसते नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। 14 to 17 साल हो जाते हैं, नाउ द टाइम हैज कम, रब ने एनलाइटमेंट रबी तौर पर उन्होंने हुक्म अपना दे दिता। पहला उन्होंने को भगौती उन्होंने को आती है एंड वो सत्संग करती है, सुना महादेव आते ने, गुरु नानक देव जी महाराज जी आते ने, वो दसी जा रहे ने। वो मासी ते उन्हों की मासी, उन्हों की भैन भी उत्थे बैठी, सारे बैठे ने। जलंधर की गल 17 साल की उम्र च कि हुण महादेव आ गए, हुण गुरु नानक देव जी आ गए, 2-2 घंटे हाथ जोड़ के सत्संग हो रहा। वो कुछ कह रहे हैं, हाथ जोड़ के अखा बंद करके बैठे ने, सो लगातार चल रही है। बाद चो एकदम ही सब कुछ चेंज हो जाता, पानी दियां बाल्टियां पाओ मेरे ते ठंडियां, शरीर उन्हों का तप रहा बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड हीलिंग पीपल, anybody come, he just so enlightened, खुद ही दसी जा रहे ने कि तू क्यों आया मेरे को, की लैन आया। घरों फादर भी चल के आते हैं, पता लगता माँ को तो प्यो नू, फादर नू भी गुरु नानक देव जी महाराज दर्शन देंदे ने और उन्होंने जदों घरों निकलते ने गुरु नानक देव जी महाराज जी उन्होंने मिलते ने, दर्शन देंगे ने एंड वो कहते हैं कोई नहीं ये पुत्र मेरा आ, ये बच्चा मेरा आ। पापा जी जड़े ने साडे पंजाब दे अंदर पंडित जगन्नाथ जी उन्हों का नाम है जी, विशिष्ट गोत ने, उन्होंने भी बड़े जट बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि हलवाई का काम करते। वो जो पहुँचते हैं तो इतने वो बैठे ने, पूरी सभा लगा के संगत बहुत जुड़ रही ने क्योंकि जो काम होंगे ने फिर वो एक तो वध के 10 बंद फिर वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते जी, एक तो दो तो चार भीड़ लगी पई है घर च। उधरों पापा जी आ रहे हैं 2 दिन बाद,
पता कर कि उन्होंने पता लगा कि उन्होंने पुत्र बाबा जी बन गया। तो हर आदमी अपने पुत्र इस संसार का एक नियम है, डॉक्टर बनते देखना चाहता, वकील बनते देखना चाहता, पर बाबा बनते देखना नहीं चाहता। दैट इज दी एस इन दिनों की मेन मेरे ख्याल से जी। एक डर दहशत, क्योंकि उन्होंने लगता कि अपनी किरत कमाओ, अपना पैसा कम बंदा करे। ये जड़े ये काम जड़े ने शुरू तो ही समझ तो बाहर ने, हर आदमी नहीं समझ सकता। सो चलो अगे चलते हैं। वो जो घरों आए ने सारा जो बस लेंदे ने पहुँचते ने इत तक सब कुछ महाराज जी खुद दस रहे हैं। हुण मेरे पिता जी बस ले ली है, इतने पहुँच गए ने जलंधर बस अड्डे पहुँच गए ने, हुण तुर रहे ने पैदल ने, हाथ झोला फड़िया ये गली च पहुँच गए ने, इतने पहुँच गए ने, बाहर आ गए ने, दरवाजे के बाहर आ गए ने। तो जाओ बई दो बंदे जाओ, इतने गली के बाहर आ गए ने, तुहानू लै रिसीव करो जाके। दो बंदे गए भज के, उन्होंने झोला फड़िया, उन्होंने दस्या कि तुहाडे बारे ते महाराज जी बोली जाते सी, एंड ही नोस, क्योंकि वो भी महापुरखों ना संतान ना रहे ने, तो उन्होंने पता है सारी गाथा कि ये कुछ जो पुत्र नू देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि ये हुण काम मेरे लैवल तो उपरता है, समझ तो बाहर है। बाद चो उन्होंने फिर बाद चो बस वधदे वधदे फिर बहुत कुछ चेंज आता, फिर बस उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी सी, शंखनाद कर दिता से हर दूजे संतां महापुरखां वांगर। सो वो पिछे मुड़ के नहीं देखते, पंजाब पंजाब तो निकल के दिल्ली आते हैं, दिल्ली च दरबार खड़ा करते हैं, दिल्ली तो लंडन जाते हैं, लंडन के दरबार बनाते हैं, एंड 17 साल तक बस ही ओनली सिर्फ ओनली 17 ईयर्स, 17 साल से लेकर ही स्टार्टेड 17 टूवर्ड्स दिस जर्नी, ए स्पिरिचुअल जर्नी। 17 साल के अंदर इनलाइटमेंट होंगी है, एंड 33 साल के अंदर वो अपने परमधाम वापस चल जाते हैं। ओके, वक्त 16 साल का ही मिले ऑफकोर्स प्राप्ति करन तो बाद अगे चानना पान का गल करिए। अपा सचखंड नानक धाम दे मुखी तुसी गद्दी ते विराजमान, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी का काम भी हो जाता, जिवें तुसी हुणी कहा भी अजकल हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं भी लोगों का यकीन विश्वास सच्चाई ते करना कदी कदी डावाडोल हो जाता। डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड है ना जी, हर आदमी फ्री स्पीच है, अलग इट्स टू मच ऑफ ए फ्री स्पीच, इट इज इट ओ सिस्टम नो कई बार यूज करते करते अब्यूज भी हो जाता। तुसी गद्दी ते विराजमान हो जी, उस तो बाद जिंदगी दे विच तुहानू अपने आप नू की चेंज लग्या? महाराज जी ने जिस स्पीड ते काम किया, उन्हां दी स्पीड बहुत ज़्यादा पावरफुल सी। उन्होंने देश विदेशों से 16-17 साल इन्ने गोरे अपने नाल जोड़ ले, ईवन गोरिया ने किताबा लिखिया महाराज के उत्ते। महाराज जी स्टार्टेड न्यूज़पेपर इन लंडन एज़ वेल, राइट, ही इज़ सो मच पावरफुल। रॉयल फैमिली प्रिंस चार्ल्स ने उन्होंने मुलाकात की थी, एंड उन्होंने अपने एबेफील्ड सोसाइटी का चेयरमैन घोषित किया। यह सारा बहुत जल्दी हो रहा है उस जमाने, जिस जमाने के एडवरटाइजमेंट और टैलीविजन के उत्ते कोई प्रचार प्रसार नहीं होता। ही वॉज द ओनली संत उस जमाने 80s 70s के अंदर, जिस वक्त कोई कुछ नहीं सी। ईवन महाराज जी वट महाराज जी उन्होंने प्रडिक्शंस बहुत करते होंगे से बैठे बैठे, तो अपनी मौत की प्रडिक्शन भी उन्होंने पहले ही कर दी 10 साल पहला। उन्होंने नाल बनिए दोस्त बहुत सी अग्रवाल फैमिली वगैरह महाराज के नाल, उन्होंने पूछा कि जिवें, क्योंकि बहुत उन्होंने कौतक देखते होंगे से चमत्कार, रोज़ ही उन्होंने कोई ना कोई उन्होंने करते रहना। तो हुण भरोसा बज गया सी लोगों का कि यार ये तो ही इज़ नॉट आम आदमी, और उनसे आम आदमी बात भी नहीं ऐसे करते थे, क्योंकि उनकी आँखों की तरफ उनके शरीर की तरफ देखना भी हर आदमी दे बस का रोग नहीं सी। उन्हें जी अखा होंदिया सी और डीप डाउन थोड़ी अखा दे विच होंदिया सी, ही इज़ जस्ट सी इन टू योर आइस ओनली, और जब बात करते थे बहुत धैर्य से और बहुत छोटी गल, ओनली स्मॉल, उसी में सब कुछ कहते ना।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਕਮ ਇਨ ਸਮਾਲ ਪੈਕੇਟਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਵਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਔਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲੰਡਨ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਧੌਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਧੌਲੇ ਕਿਆ ਧੌਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਧੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਚ ਉੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੋ ਦੀਵਾਨਗੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਥਾ ਉਹ ਲੋਕੋਂ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਟਸ ਬੀਨ 87 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ 30 ਈਅਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਹਿਮ ਆਮ ਜਸਟ ਫੋਲੋਅਰ ਆਮ ਨੋਟ ਅ ਲੀਡਰ ਆਈ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਬਿਕੋਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਵੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਰੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੌਨ ਕੈਨਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਲੌਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 25-25 30-30 ਬੱਸਿਸ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਹਾਲ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਦੀ ਲੰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਮਿਡਲੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਲ ਮਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਕਿਊ ਸੀ ਸੀ ਕੁਈਨ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸ ਜੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹਾਓ ਕਿਸੇ ਹੋਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ 1919 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਨਰਸਿਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
हादसा होया सारे सिख समाज दे नाल, उहदे वास्ते आई थिंक एक इंसानियत दे नाल ही बेसिकली हादसा होया, क्योंकि उन्हां दा कोई कसूर ही नहीं है। हाँ, और जदों वो हो गया, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, तो महाराज जी ने नरसिम्ह राव से कहा था कि रब ने रब दे घर च तुसी गुनेगार हो, ते तुसी इस देश दे राजा अच्छे नहीं बन सकते, ताड़ा समा आ गया, रब ने हुण तुहानू मोहलत देती है थोड़े समय से, तुहाडा दी एंड हो जाना सारिआं दा, कांग्रेस विल बी नो मोर इन इंडिया। एंड मैं जदों मनमोहन सिंह जी भी बहुत वड्डे प्रधानमंत्री सी, मैं कांग्रेस वाले लीडरां मिलदा रहा, असीं उन्हां नूं हस के कहिंदे हुंदे सी, वो कहिंदे सी असीं ते बहुत राज कर रहे हैं, वी आर राइजिंग नाउ, चढ़दी कला च। ईवन मैं भी सोनिया गांधी नूं मिलन गया सी, मैं सरबजीत पाकिस्तान वाले का केस लै के गया सी, और मैं उन्हां दा पहला संत हाँ, मैं उन्हां दा जो कबर रोड का ऑफिस है वो मैं 2 घंटे वास्ते बंद करता ही, बाहर साड़ी संगत बहुत ज़्यादा सी, और ना कोई बाहरों कोई अंदर आ सकता सी, ना अंदरों कोई बाहर जा सकता सी, जो प्रधानमंत्री भी उन्हां दा सी, क्योंकि सरबजीत पाकिस्तान तो फिर रिहा कराने तक भी मैं पूरा जोर दिता, और उन्होंने रिहा कर भी दिता पाकिस्तान ने, फिर यूटर्न मार लिया, आई डोंट नो की होया की नहीं होया, दैट वॉज अ पोलिटिक की गल की नहीं। हाँ, कई बार पोलिटिकल डिसीजन 6 घंटे वास्ते निकल ही नहीं पाते, 6 आवर्स के लिए पाकिस्तान ने, उसकी बहन का फोन आता कि महाराज जो तुम मुहिम छेड़ी सी वो आप जित गए। मैं क्या जी कोई गल नहीं, बहुत सोनी गल है, एंड मैं पाकिस्तान एम्बेसी विच भी होरे नाल गया सी, सब कुछ किया, चलो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, मुझे नहीं, हमको तो मेन काम जी। मैं आपको बता रहा था कि महाराज जी ने ये कहा था कि ये सब कुछ चेंज हो जाएगा और एक नया साम्राज्य बनेगा भारत, जिसमें संत राज होगा और संत राज करेंगे। तो भगवा कपड़े आज राज कर देने, आज संत जो हैं आज बहुत बड़े तगड़े तरीके से कर रहे हैं। ये महाराज जी के प्रेडिक्शंस हैं सारे, ये दुनिया को पता लगनी चाहिए, हम लोग तो अपने दिल में लगा के बैठे थे सारे, उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शन करी, समय समय पे सारी पूरी हुई, और संत कोई बात करता है तो उसकी बात जरूर। वो अकेले संत हैं जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ डट के बोला, उन्होंने बोला मुझे भगवान ने पैदा किया है टेररिज्म के खिलाफ, मुझे उठना है, आवाज देनी है। वो टेररिज्म के खिलाफ डट के बोलते थे, पीसफुली लड़ाई नहीं करते थे, नॉन वायलेंस नहीं, वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस ओनली, शांति से बोले नहीं ये होना नहीं चाहिए हमारे भारत के, भारत में हमारे टेररिज्म नहीं होना चाहिए, हमारा भारत तरक्की नहीं करेगा, साडा देश तरक्की ताही करेगा जे असी शांति दे विच चलिए, और अज सारी कंट्रियां वही मुद्दा है टेररिज्म। तो मैं दस दो अमेरिका टेररिज्म, हर कंट्री का पहला मुद्दा होंदा टेररिज्म, और 80s दे अंदर केवल एक संत उठ के पहला आवाज दिंदा, एंड सारी कंट्रियां फॉलो कर रही ने, सेम पैटर्न देते, सेम फॉर्मेट, हर कंट्री का यही मुद्दा टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। और महाराज जी पहले हैं जिन्होंने स्टार्ट की ये फाइट कि टेररिज्म नहीं चाहिए, और मुझे इसीलिए भेजा है। स्पिरिचुअल लीडर, उन्होंने एग्जैक्ट रोल थोड़ी नज़र दे विच की है? स्पिरिचुअल जो लीडर है वो देश और धर्म के लिए वो मर भी सकता है, बस उसे स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं। वो लोगों को धार्मिक बनाता है, और जहाँ खतरा हो गुरु तेग बहादुर साहब वंगर अपनी कुर्बानी भी देना जानता, जहाँ पर किसी को जरूरत हो वहाँ कृष्ण जी उठकर महाभारत भी कर देते हैं, राम जी राक्षसों का वध भी करना जानते हैं, हमारे भगवती जो है उसके हाथ में तलवार है, वो राक्षसों का सहार भी करती है लोगों का भला करने वास्ते, जिथे जिथे लोड़ पैंदी है। साढ़े तो तुसी ये देख लो, साढ़े देश के अंदर जिहड़े देवते ने सनातन के, जो हमारे शुरू से हम लोग मंदिरों में भी देखते हैं, उन्होंने हाथ विच हर एक देवता के हाथ विच एक बचाव वास्ते, लड़ाई वास्ते नहीं बचाव वास्ते त्रिशूल डिफेंस, जरूरत पड़ेगी तो सत्संग नहीं समझ आएगा तो फिर त्रिशूल समझ आएगा। राम जी ने अपने
बाण रखा हुआ है कि सत्संग नहीं समझ पाएगी तो बाण से समझोगे। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से, अर्जुन दुर्योधन को मेरा सत्संग समझ नहीं आना, इसको तीरों की भाषा समझ आएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महापुरुष भी अपने पास रखते हैं समझाने के लिए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भी थे वो जड़ा औरंगजेब से, औरंगजेब ने सत्संग सुनाया, उन्होंने दसिया भाई तू बंदा बन जा, नहीं बने, सत्संग नहीं समझ आया उन्होंने, तो फिर महाराज ने तलवार चकनी पी। वो देखो बेसिकली संत क्या है, संत है जब भी कोई मुश्किल आए सामने खड़ा हो जाए डट के, और मुश्किल में उसको अपना भी बलिदान करना पड़े तो वो बलिदान करते, जरूरत पड़ने पे वो संत से सिपाही भी बन जाए। प्रॉब्ली दैट इज द नीड ऑफ द आर जो तुसी जिवें दस रहे हो। नारायण ने भी आते सुदर्शन चक्र देख क्या नहीं किया उन्होंने, समय समय पर यदा यदा ही धर्म से, कभी जरूरत पड़ी तो धर्म के लिए जन्म नहीं लिए क्या, बार बार आते रहे और आते रहेंगे जब जब जरूरत पड़ी। आप जैसे हमारे जैसे महा लोगों को पार उतारा नहीं करना, समझाना भी तो है ना। हुण तुहाडे घर विच कोई इट्टा पत्थर मारे तो तुसी आवाज़ तो चुक ही सकते हो, कह सकते हो भाई ये काम ठीक नहीं है। कबीर जी कहते हैं कहो कबीर राम गुण गाऊँ, ना आप डरूँ तो ना वह डराऊँ। बदमाश नहीं है असी, संत बदमाश नहीं होते, वो राम गुण गाते हैं, ना आप डरूँ ना अवर डराऊँ। वो कहते हैं ना मैं किसी को डरदा तो ना मैं किसी को डराउना, ना बदमाशी करते हैं ना बदमाश हैं, वो तो साधु है। साधना तपस्या ये नॉर्मल आम इंसान दे वास्ता रोग नहीं है जी, बट हर बंदे दी कोशिश होंदी है भी मैनू अंदरूनी शांति इनर पीस मिले। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज इनर पीस? थॉट प्रोसेस खत्म कर लो बस। जब आपके थॉट प्रोसेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि जहां हमारे थॉट प्रोसेस चलते हैं कंटिन्यू, हम खुद ही कर्ता भाव बना के रखते हैं। ऐसे सोचते हैं यार मेरी दुकान नहीं चल रही, मैंने कुछ करना पैना, मेरा कारोबार ढिला, मैंने कुछ करना पैना, मेरा काम ठीक नहीं हो रहा, मैंने कुछ करना पैना, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मैंने समझाना पैना। जो तक वो थॉट प्रोसेस ने वो दुखी हुई है, नानक दुखिया सब संसार। ईवन थॉट प्रोसेस वाले दे ते गुरु दे नाल भी गलबात नहीं बनती। श्री आप हनुमान चालीसा में विश्वास रखते हैं? तो वो हनुमान जी का चालीसा लिखा है गोस्वामी जी ने, पर शुरुआत कर देने श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुखर सुधार वरना रघुबर निज मन मुखर सुधार। मेरे मन को थॉट प्रोसेस जो है मन के फुरने वो सब गुरु के चरणों में रख दे और वही मन को ठीक करेंगे। बाणी ओदा ही एक होर सुंदर तरीके नाल आंदा, ओही चीज बाणी आखदी है, गुरबाणी च भी आंदा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी, मन बेचे सतगुरु के पास, मन नू तू सतगुरु के चरणा च रख दे, तिस सेवक के कारज रास, उस दिन ही शांति आ जाएगी। शांति की है, वट इज द मीनिंग ऑफ पीस जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता? और इसको कैसे बोलते RIP जब मरने के बाद उसको कुछ चाहिए नहीं है, रेस्ट इन पीस RIP। तो तृष्णा खत्म हो गई, दसम जो शांति मिल गई ना, लिविंग इन द प्रेजेंट जिवें तुसी गल कर रहे थी भी माइंडफुल, जदो जहद दे विच लगया जा रहा है, प्रेजेंट मतलब माइंडफुल, लिविंग इन प्रेजेंट एंड माइंडफुल इज प्रोबब्ली व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट्स द नीड ऑफ द आवर। आपा कदी कदी स्वर्ग ते नरक दी गल कर लैने हां जी। स्वर्ग च पहुंचण दा रस्ता ओ की है? पहला तो आप जिस जगह पर रह रहे हैं पहला उन्हें स्वर्ग बना लिए। स्वर्ग का अर्थ होता जो प्यार बहुत करते हैं, जिते थोड़ा कोई दुश्मन ना हो, तुहाडे सारे सज्जन हो, तुहाडे प्यारे हो, आस पास तुहाडे आस पास प्यार की महफल लगी हो, लव एंड रिस्पैक्ट सत्कार की महफल लगी हो, हर आदमी थोड़ा कहे आ, तो आप वही स्वर्ग है आपके लिए। और वही स्वर्गों में होता ऊपर भी, देवताओं का जो जीवन है वो प्रेम बांटना सत्कार ते प्यार, दैट इज कॉल्ड स्वर्ग। नरक की है जिथे बस जाहिल
माड़े बुरे विचारां वाले लोग एक दूजे नूं तंग करन लगे ने, बस दैट इज़ ए नर्क। सो आफ्टर डैथ वो क्या रियलिटी है क्या नहीं है, उतों कोई वापस तो अज तक आया नहीं। सुनिए सुनाइया गल्लां ते मैं विश्वास करता नहीं। आप अगर अभी भी आप बिल्कुल शांत मही में बैठे हो स्वर्ग विच, क्योंकि साड़ियां कहानियां ये तो है नहीं कि मिथिहासिक ने, उन्होंने दम तो पूरा है कि स्वर्ग और नरक परमात्मा ने बनाए होणगे। पर आफ्टर डैथ दैट इज़ ए बाद की बातें हैं जो असी अंतकाल संगे ना कोई अचरज है रीत गुरबाणी च कहिंदे ने, जगत में झूठी देखी प्रीत अपने सुख स्यों सब लागे क्या तारा क्या मीत। असी सारे इस वर्ल्ड के अंदर मतलबी लोग हाँ, सारे अपने मतलब करके असी 200 किलोमीटर भी जा सकते हैं, 400 किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकते हैं, हज़ार हज़ार किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकते हैं, पर जो मतलब नहीं तो सानू किसी घर बैठे पानी का गिलास पिलाना औखा हो जाता। तो इस दौर दे विच सानू दो ही चीज़ां प्रमोट करनियां ने, लव एंड रिस्पैक्ट टूवर्ड्स द होल कम्युनिटीज। एक दूजे नूं प्यार करो, लड़ाइयाँ कर करके कुछ नहीं बनता। दो बंदे लड़ते हो, आप जी आनंद साहब बड़े बहुत विजडमफुल नॉलेजफुल आदमी हो, तुसी भी देखिया दो बंदे, शायद तुसी भी कई दे झगड़े ठीक किए भी होणगे। दो बंदे लड़ते होणगे और उन्होंने सिर पाड़ता अपना, दोनों बहुत लड़ी जाते, बाद चो एंड ऑफ द डे की होएगा, कॉम्प्रोमाइज। पुलिस भी यही करती है, भाई रजामंदी कर लो। जे लड़ाई का आखिरी मकाम मंजिल जिहड़ी है मंजिले मकसूद कॉम्प्रोमाइज ही है, फिर क्यों लड़ना। नॉलेज विजडम एजुकेशन के उत्ते काम करो ना, विचार बुद्धिजीव बनाओ दुनिया च, और बनाया जा सकता है। यूनिवर्सिटियां दे विच अलग तो कोर्सेस होने चाहिए ने, यूथ नू उन्होंने दसना चाहिए कि यूथ कली सोशल मीडिया वास्ते नहीं रह गई। सोशल मीडिया ते मोर इन्फॉर्मेशन मोर स्ट्रेस, इधरों भी आ रही सच्ची है केड़ी झूठी है अद्धी वारी तो कोई पता नहीं लगता। मोर इन्फॉर्मेशन, वेयर देयर इज अ मोर इन्फॉर्मेशन, हर जगह तो इन्फॉर्मेशन आ रही, दिमाग की करेगा एरर मोड च घूमी जाएगा। तुसी असी सोशल मीडिया इज अ टेररिस्ट एट द मोमेंट आई वुड से, सॉरी टू आई मीन दिस इज न्यू टेररिज्म इन द वर्ल्ड दैट इज अ सोशल मीडिया इफ वी नॉट कंट्रोल येट। आने वाले समय में हमारे बच्चों का क्या होगा ये भविष्य मुझे भी नहीं दिखाई देता। आई थिंक सिडनी च भी कल 27th नो एक सत्संग होने जा रहा है कांस हिल कम्युनिटी सेंटर दे विच, निशांत भारद्वाज, कनिका भारद्वाज एंड दीप मेखल मेलबर्न तो आए हुए हैं, देयर लॉट ऑफ अदर संगत हु आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, उन्होंने सारे वास्ते थोड़े वालों कोई मैसेज। जी मैं सिडनी दे बेलमोन दे भैणा ते भरावां नूं और मेरे जितने भी प्यारी प्यारी सोल्स जो यहाँ बस रही है काफ़ी समय से, मैं सब नूं बेनती करदा चरणा च कि ये नहीं कि मैं अपने सत्संग दे उत्ते तुहानूं बेनती कर रहा कि तुसी आओ ते मिलो बैठो। बेसिकली सत्संग कीर्तन बड़े भागा ना मिलता, भाग चंगे होंदे ने बिन भागा। गुरु रामदास जी महाराज ने तो बहुत बड़ा अलानिया कहता, बिन भागा सत संग ना लभे। रब दा संग रब दी गल्लां बातां से प्यारे मिली जिन्ना मिलिया तेरे नाम चेते आवे, उन्हां बंदियां नूं मिलावी जिहड़े बंदे तेरियां गल्लां करदे ने। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा है, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो सानूं सारिआं नूं रब दी गल सुणन दा जिथे मौका मिले सानूं जरूर लभना चाहिए, उत्थे जाके रब की गल सुननी चाहिए है, और अपने आप नूं शांति दे नाल आपां नूं जोड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही शांति का मुजस्मा है। आपां देखो अगर घर च आप जी को सोहने सोहने बैड ने, इफ यू हैव अ गुड, इफ यू बाय ईवन ब्यूटीफुल बैड एंड जो उसके जो कुशंस आप बड़े महंगे महंगे खरीद लो बाहरों, पर नींद कितों खरीदोगे, वो तो रब को आनी है, रब की कृपा नहीं आनी है। सोने सोने तो रोटियां खरीद लो, महंगिया महंगे तुम भोजन खरीद लो, बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट आते चल जाओ, घर च बड़े बड़े लंगर लगा दो, पर भुख नहीं अगर लगेगी, एपीटाइट नहीं हैगी, वो कितों आनी है एपीटाइट, वो भगवान को आनी है। सानू
घर बड़ा महंगे महंगे 10 मिलियन का घर खरीद लो, 15 मिलियन का घर खरीद लो, पर शांति घर च किन्ने देनी है उस मालिक ने? बेचैनी एडे एडे वे घर लैके भी माफ करना, चलो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अगेंस्ट एनिमल्स और एनी मेरा जी, कोई जी, परंतु इंसान बड़े वे घर लैके तो कुत्तियां ना रह रहे होंगे ने, बिल्लियां ना रह रहे होंगे ने, उन्होंने नाम ट्रस्ट कर देंगे ने, तो घर के बंदे छड़ जाते हैं उन्होंने, चैन बेचैनी है। जे ये सारा कुछ परमात्मा को आता, फैमिली वैल्यूज जिहड़ियां ने सानू परमात्मा सिखाता सत्संग के थ्रू, कीर्तन के थ्रू, क्योंकि जो असं कीर्तन और सत्संग च बहने बहुत कुछ साडा सोया मन अनकॉन्शियस माइंड साडा एबजॉर्ब करता। हुण सन्नाटे दे विच क्यों जाके अखां बंद करके बहिंदे हो? क्योंकि सन्नाटा जिहड़ा शांति वह एबजॉर्ब करती बॉडी, ताडी बॉडी ने एबजॉर्ब कर लग पैना, दैट्स इट। सो तुसीं शांत हो जाना, एबजॉर्ब, कीर्तन भी एबजॉर्ब करना पैंदा, सत्संग भी एबजॉर्ब करना पैंदा, रब्बी गल्लां नॉलेज उन्हूं कहिंदे नॉलेज एंड विजडम। When you have a knowledge and wisdom and you have education, you become one with him immediately. Aj milawa Sheikh Farid Takam Kunjaniya Mano Machandaniya. Aaj hi mil sakte hain Bhagwan se. Agar Bhagwan ka marg mil jaye, kahan hai? Address mil jaye, kahan hai? Knowledge ki baat hai bas. Dil ta karda main tode naal बस डिस्कशन करता जावा करता जावा, मेरा ख्याल है समय की घाट करके मैं माफी मांगता कि मैं लेट आया मैंने दूजी बसों इशारा होया। जी हाँ, आज सिडनी दे विच आए संत श्री त्रिलोचन दास जी नाल कीती बातचीत, मैं नवदीत।